वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, मम्मी ने समान मंगाया है भाभी उन्हां वास्ते, थोनू दिखाउने आ। सरदार जी लैके आए ने राजपुरा तो समान, देखदे आ की लैके आए ने, मम्मी ने की मंगाया है थानू नेड़े तो दिखाने हैं। मतलब कि जेड़ा भी ऑपरेशन तो बाद यह ठीक रहिंदा है। मैं तो एप्पल खाने लग गई। हाँ जी, इधर आ जाओ। कोई नहीं बैठ जा, समान पे बैठ जा। इधर भी दिखावा, इधर भी समान दिखावा, इधर भी नो हो पै रहे। हाँ जी, लो जी, थानू पूरी मिर्च नेड़े तो दिखावा। कईयां नूं काली मिर्च दा ही पता है, पूरी दा नहीं पता। नहीं देखी ले, देखो ये तो उस धनिया जी भिंडी दे बीज हुंदे ने, धनिया हुंदा जी ना, ये बहुत ही गर्म नहीं हुंदा। अच्छा अच्छा, घट गर्म ये तो बैबू ते ही ले लो। ये चारे मग जे हो गए, तुहाडे इक ना मुंह कौड़ी मिट्टी मुंह च सारी चप। ये हो गए बेटे खास खास। अच्छा, ये तो बहुत गर्म हुंदी है। नहीं गर्म नहीं हुंदी। अच्छा, कसौ करदी है, ये कसौ करदी दिमाग ली ताकत। पंजीरी बाद च पाऊगी, पक्की बनानी होई थोड़ी पा दांगे। बिलकुल बड़े वाले नहीं होए सारे मगदाले। बराबर मात्रा काली ना गल लग जाती है ना, ये गल नही लगती। फिर ओही तो है सियाने बंदे दा भी, आपां नूं की पता इहने पासे दा। लो जी, हुणे नूं बनाउने आ। पतासे भी पुजन गे, खसखस भी पुजूगी। जेडी खसखस है सुकी, जिवें आपां सुक्की ओह नहीं करदे हैगे सूजी नूं, हां बैग दे उपर ते जिहड़े पतासे ने देसी घिओ च भुन लवे, थोड़ा जिहा पा दे। थोड़ा घिओ पा के इहनां नूं, इह वी आपां थोड़ा थोड़ा पा लेंगे, थोड़े थोड़े पा पा के फिर भुन जाएगी। ओहदा की नहीं पाउंदे, कैड़े रखे ना, ठीक है। अच्छा, थोड़े थोड़े पा के भुन लो कि फिर कैड़े रह जांदे ने। ਹੁਣ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈੜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, लो ठीक है वाहिगुरु जी, हुण इहनू बनाईए। समान थानू सारा दिखाता, ते किवें बणूगी इह वी दिखाउने आ। तागी वाली मिश्री है इह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, जेड़ा थानू मम्मी ने समान दिखाया सी पाइया दे हिसाब नाल लिया सी, ओह हुण पंजीरी तैयार करन लगी आ।
सब तो पहला है खसखस सुकी भुन लेनी है चंगी तरह जो खुशबू आने लग जूगी। वैसे कलर तो यदा एवं दुंद ब्राउन ज खुशबू आने लग जाती है पटाके जे पैन लग जाते हैं फिर समझो भी ये भुजगी। फिर इनू गर्म गर्म न पीस लेना नहीं इन्नी बरीक होंगी है पीसी नहीं जाती बिना गर्म करे भुननी भी जरूरी है। वाहगुरु जी पंजीरी बहुत तरह की होंगी है एक तो आप सारी जिम्मे फैमिली जो भी सर्दी होंगी है उदो ही पंजीरी बना के खा लें एक बार चलो सर्दी च हरेक कोई बना ही है फैमिली लई एक बच्चे वाली पंजीरी होंगी है जिमें जच्चा बच्चा दत्ती जाती है बच्चा होए तो जच्चा खाने वास्ते दत्ती जाती है। हूँ यह भाभी होर टाइप की पंजीरी बना रहे हैं जिमें बहुत घट घी यूज करा तो मतलब कि जिमें बिलगुद तो होर एवें आइटम होंदिया ने यूज करा जी मम्मी ने दसिया सी उ जिमें थोनू पहला दिखाइया भी ने दसिया भी ने उन्होंने भी बना रहे हैं। हाँ खुशबू आने लग गई तो पटाके जो बजन लग गए बंद कर दो हूँ इन पीस दें जी सब तो पहला गर्म गर्म न फिर उस तो बाद जड़े फुल मखाने पतासे जो भी है उन्होंने हल्का जहा घी पा के भुना हाँ अद्धी अद्धी पै जूगी थोड़ा गेड़ा भी देना पैंदा इनू वाहगुरु जी ये देखो खसखस असी चंगी तरह इनू भुन लिया भुन के इनू पीस लिया ये देखो तो यदा बिल्कुल पाउडर बन गया। हूँ उस तो बाद जिहड़ा होर समान थोनू दिखाया सी उनू बारी बारी पीसांगे इस तरह तो जिहड़े फुल मखाने पतासे ने उन्होंने उवें घिओ दे विच हल्का फ्राई करके उवें पीसे जाणगे उह ठीक है जी। वाहगुरु जी ए देखो मगज का जड़ा सीगा ये भी पाउडर बन गया पहला खसखस का बनाया दो चीज़ों का पाउडर हो गया हूँ बादाम का पाउडर बनावांगे तो फिर मिश्री तो जड़ी पूरी मिर्च है वनू पीसांगे लो वाहगुरु जी बादाम भी हो गए अद्धे हो गए अद्धे हुण कर लैने दोबारा खसखस मगज बादाम तीन आइटम हो गई इधर दीदी मिश्री ते पूरी मिर्च कुटणगे वाहगुरु जी हुण जिहड़े फुल मखाने फुल पतासे ने उन्हां नूं भुन्नीए ते फिर पीसीए भुन के गरम गरम वो तो मंजे दूजी साइड लग जाता किवें लंघे
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਘਿਓ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੁੱਟੀ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਫੁੱਲ ਮਖਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੀਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਕਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਆਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਛਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਲਾ ਲਿਆ ਪੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਵੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਗੱਠ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰੀਕ ਹੈ।